गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम धार्मिक और समाज सुधार आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे। उसके अंतर्गत हम ब्रह्म समाज के बारे में बात कर चुके हैं, प्रातः समाज के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम आर्य समाज के बारे में बात करेंगे। आर्य समाज के बारे में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसकी स्थापना किसने किया, कब किया और क्यों किया, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे भारत में बहुत सी बुराइयाँ 19वीं शताब्दी में थी। आपको पता भी है, हर वीडियो में इसको बताया भी गया है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, आर्य समाज के अंतर्गत जो बात हो रही है, यह थोड़ी अलग तरीके की है। हम आपको यह बता दें कि भारत में सामाजिक और धार्मिक बुराइयाँ तो बहुत थी, लेकिन साथ में एक और बुराई थी, यहाँ हिंदुओं को और हिंदुओं के अंदर पाखंड, झूठ, ढोंगपना, धर्म को लेके जात पात, पूछपीछ, इन सब को लेके बहुत ज्यादा विशेषता। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, इन्होंने हिंदुओं को, हिंदुओं के अंतर्गत जितनी भी बुराइयां थी, इन बुराइयों को दूर करने के लिए इस आर्य समाज की स्थापना की। साथ में यह भी कहा कि भारत भारतीयों के लिए। हम अगर पढ़ते हैं कहीं पे तो यह पाते हैं कि एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का नाम जानते भी हैं, एक समाज सुधारक थी। एनी बेसेंट ने कहा है कि दयानंद सरस्वती का यह मानना था कि भारत सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यह आर्यों का समाज है, आर्यों का देश है, इसलिए यह आर्य समाज की स्थापना इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किए थे। अब हम बात करते हैं इसके मुख्य मुख्य टॉपिक पे। आइए यहाँ बताते हैं कि आर्य समाज की स्थापना आप लोग जानते ही हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, कब की, 1875 ईस्वी में, और कहाँ पे की, मुंबई। लेकिन कुछ समय के पश्चात, थोड़े
कि जो हमारे